बहुत ही क्रिस्पी लगती है और आप इसे स्टोर करके भी आराम से रख सकते हैं। आज हम लोग अरवा चावल का जो तिलौरी बनता है, चिप्स बनता है, वो बनाने के लिए आ चुके हैं। और ये जो चावल है, अरवा चावल है, इसे हमने रात भर भिगो के रखा था। उसके बाद इसका आपको मिक्सी में पेस्ट बना लेना है और ये पेस्ट बनाने के बाद आपको कोई बड़े बर्तन में इस तरीके से डाल के रखना है और इसे अच्छे से पकने के लिए, इसे मतलब अच्छे तरीके से चावल को पकाना है हमें। तो अब हम लोग देखिए, ये पूरा हम लोगों ने पेस्ट बना लिया, जैसे आप डोसा वगैरह का पेस्ट बनाते हैं उस तरह से ही पेस्ट बनाइए। और ये पेस्ट बन चुका है, बस अब हम लोग गैस ऑन करेंगे और इसे पकाएंगे। लिक्विड फॉर्म में है, जैसे डोसा का आप बैटर तैयार करते हैं उसी तरह से इसे भी पीस लेना है फुलाने के बाद। और ये देखिए, हमें अब अच्छे तरीके से इसे पकाना है। अभी आप देख रहे हैं पूरा लिक्विड है, वो एकदम मतलब अच्छे से पक जाएगा, तो इसे आपको थोड़ा टाइम दे के पका लेना है। लिक्विड फॉर्म में जैसे डोसा का लिक्विड होता है उस तरह से इसे अच्छे से पकाना है। ये बिल्कुल जैसे आप हलवा बनाते हैं ना उस तरीके से हो जाएगा, एकदम गढ़ा, तभी आप इसका जो चिप्स है वो बना पाएंगे चावल का। तो इस वजह से अभी इसे हमें अच्छे तरीके से पका लेना है। ये चावल का जो हमने घोल तैयार किया था वो आप देख रहे होंगे बिल्कुल पक चुका है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो कि हम नमक ऐड करेंगे सबसे पहले। और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें जीरा गुलकी का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हमने ऐड किया है। नमक स्वाद अनुसार ही ऐड कीजिए। और लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये भी हमने 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून ऐड किया है। देखिए जितना खदकता है ये किस तरह से, मतलब आप देख रहे होंगे ये पूरा लिक्विड बहुत कम था बट कितना ज़्यादा हो चुका है, इसलिए बड़े बर्तन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लिक्विड जो है वो जल भी सकता है। और हम इसमें एक मंगरेल जो है वो भी ऐड करेंगे, बड़े चम्मच से 1 चम्मच के करीब। और देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। ये जो इसका घोल है ना वो बनकर रेडी हो चुका है, बस तो हमें मसाला ऐड करने के बाद 5 मिनट तक पका लेना है और उसके बाद फिर गैस को ऑफ कर देना है। तो देखिए ये ऑलरेडी ये घोल आप देख रहे होंगे बिल्कुल बन चुका है। अब मसाला को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और मसाले भी आप देख रहे होंगे मिक्स हो ही चुका है, इसका कलर देखिए मिक्स हो चुका है। तो आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना आए, और मतलब एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, मतलब गुठली टाइप से नहीं रहना चाहिए, उतना अच्छे से आपको इसको फेंट लेना है। आप ये कह सकते हैं कि अच्छे से आपको थोड़ा हाथ से अच्छे से इसको मतलब फेंटना है थोड़ी देर तक, जैसे ही पूरा मसाला भी मिल जाएगा और ये जो लम्स है वो भी हटेगा। तो आपको शुरू से ही ये जो चावल का जो घोल बनता है ना उस समय से ही आपको ये चलाते रहना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसे चलाते रहें। देखिए ये जो मटेरियल है ये बनकर रेडी हो चुका है और बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो बस हम इसका अच्छे से चिप्स तैयार करेंगे। तो देखिए हम लोग अभी चावल का चिप्स बनाने के लिए आ चुके हैं और ये हम लोग जो बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक जो आप कह सकते हैं इसे हमने यहाँ पे एक टेबल पे बिछा के रखा है और ऐसे छोटे छोटे आकार में इस तरह से जैसे बड़ी बनती है ना उस तरह से बनाते जाएंगे। और ये चिप्स है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो आप इसे कपड़े पे भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये प्लास्टिक पे इससे भी अच्छे से निकल जाएगा सूख के, या तो फिर आप कोई बेडशीट वगैरह पे भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। तो देखिए, और जब मटेरियल ठंडा हो गया था तभी फिर हमने बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि गरम गरम आप नहीं बना पाइएगा। तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है, आप बड़ा चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा चाहें तो छोटा भी। तो इस तरीके से हम पूरा जितना भी लिक्विड है उसका बना लेंगे और इसे धूप में अच्छे से सुखाना है। और ये जैसे ही सूखेगी ना उसके बाद ये खुद ही उखड़ जाएगी आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो देखिए इस तरीके से आपको बनाना है, आप चाहें तो छोटा आकार का भी, उससे भी छोटा बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। तो देखिए इतना बड़ा इनफ है, क्योंकि जब ये पूरी तरह से सूख जाएगी और इसे धूप में सुखाना, ये आसानी से उखड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसे धूप में जब आप सुखा लेंगे उसके बाद आप देखिएगा जब इसे आप फ्राई करेंगे ना तो ये जितनी साइज की है ना उससे
डबल हो जाएगी फुल के, मतलब इतना अच्छा इसका चिप्स बनता है चावल का। तो एक बार ये चिप्स आप लोग भी ट्राई कीजिए, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है जैसे कि हमने आपको बताया भी। बस आपको चावल जो है ये अरवा चावल का बनता है, आपको अरवा चावल भिंगा के रात भर रख देना है भिगो के, जब वो फूल जाए तो सुबह आप जैसे काइंड ऑफ डोसा वगैरह का जैसे आप लिक्विड तैयार करते हैं या इडली के लिए, उसी तरीके से आपको मिक्सर जार में इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपको उसे पानी के साथ घोल के, और जैसे कि आप तो मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो थोड़ा पानी कम कम भी ऐड करेंगे, बट जब आप उसे आग पे रखें, मतलब जैसे गैस पे जब आप इसे रखें कोई भी कंटेनर में ऐड करके, थोड़ा बड़ा कंटेनर लें क्योंकि चावल ना जितना ही सीझेगा उतना फैलते जाएगा, तो थोड़ा बड़ा कंटेनर लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए और उसे अच्छे से चलाते हुए अच्छे से इसे पकाइए। ये चावल पूरे अच्छे तरीके से पक जाना चाहिए और इसे उस समय फेंटते रहिए, मतलब चलाते रहिए, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और फिर जो मसाला हमने बताया वो मसाले भी कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको ना मिले, आराम से मिल जाएगा। तो बस वो मसाला ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए और उसके बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तो बस इसका इस तरह से छोटे छोटे आकार के बना लीजिए। और ये हमने इतना बड़ा बनाया है ना, आप चाहें तो और भी छोटा बना सकते हैं पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतना बड़ा इनफ है क्योंकि ये अच्छा भी लगता है जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, तो इससे डबल होगा तो बहुत ही। देखिए, और एक बॉल में हमने पानी भी रखा है क्योंकि आपका हाथ में ये हल्का चिपकने लगे, तो हल्का हल्का आपको हाथ गीला कर लेना है और उसके बाद बनाते जाना है। तो हम लोग इसे चिप्स भी कहते हैं, काइंड ऑफ चिप्स, और हमारे बिहार झारखंड में इसे चावल का तिलौरी कहते हैं, तो इसे तिलौरी के सेंस में हम, मतलब हमारे तरफ तिलौरी ही कहा जाता है और आप चिप्स भी कह सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से, देखिए आपकी हम जब जब हाथों में हल्का चिपकने लगेगा तो आपको हल्का सा हाथ को पानी से भिंगा लेना है और फिर बनाते जाना है। तो देखिए ये कितना अच्छा बना है और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। चावल का जो तिलौरी है वो बनकर रेडी हो चुका है और अब हमने इसे धूप में भी रख दिया है, तो बस ये अच्छे से सूख जाए, और ये सूखेगा ये खुद पे खुद उखड़ जाएगा, तो कोई उतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमें इसे अच्छे से सूखने देना है और धूप बहुत ही कड़क की है तो ये आसानी से सूख जाएगा, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि कैसा बना है सूखने के बाद। देखिए हमने गरम करने के लिए रखा है और इसमें ऑयल जो है ना बहुत ही अच्छे से गरम होना चाहिए, ऑयल गरम नहीं रहेगा और आप चिप्स को फ्राई करने के लिए आप ऐड कर देते हैं तेल में तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होगी, वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो आपको ऑयल अच्छे से गरम कर लेना है, फिर मैं देखिए यहाँ पे एक बार में इस तरह से ऐड कर दूंगी और ऑयल गरम रहना चाहिए, देखिए ये खुद पे खुद फूलते जाएगी और ये बहुत ही क्रिस्पी, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही क्रंची होती है। तो वही आपका ऑयल गरम नहीं रहेगा तो फिर ये आपका नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तरीके से चिप्स को ऐड कर देना है और चिप्स को चलाते रहना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएगी टोटल का टोटल चिप्स, और बहुत ही क्रिस्पी लगती है ये खाने में। और तुरंत आपको ऑयल से निकाल लेना है जब आपको लगे कि आपका कढ़ाई और ऑयल अच्छे से एकदम गर्म हो चुका है, तो आप हल्का गैस का फ्लेम कम कर दीजिए नहीं तो ये जल जाएगी। तो ये देखिए कितना अच्छा हुआ है, ये चिप्स हमने फ्राई कर लिया है। आप इसके बाद आप इसमें चाहें तो काला नमक या आप चाट मसाला हल्का सा इस पे डाल दीजिए और उसके बाद खाइए, ये बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनती है, आपने देखा, तो ये बहुत ही क्रिस्पी लगती है और आप इसे स्टोर करके भी आराम से रख सकते हैं 1 से 2 साल तक। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये मतलब जहां पे भी आप रखें वहां पे पानी से बिल्कुल दूर और एयर टाइट कंटेनर में, फिर आप इसका जब मन करे आप फ्राई कीजिए, खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इसे खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए, आई होप ये पसंद आया हो, आप लोगों को चावल का चिप्स पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचि लाइफस्टाइल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो बाय फ्रेंड्स।